उंगली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया है कि पंजाब असेंबली में आइन पर हमला किया गया, साजिश नाकाम हुई तो इमरान साहब ने डिप्टी स्पीकर पर हमले का हुक्म दे दिया। गुंडागर्दी और बद तहजीबी इमरान साहब का तोहफा है। उनका कहना था कि पंजाब असेंबली की प्रेस गैलरी में जैमर्स लगा दिए गए हैं। अभी अभी पंजाब असेंबली से फुटेज आई है जो मैं शेयर भी कर लूंगी मीडिया के साथ कि जो प्रेस गैलरी है पंजाब असेंबली की वहां जैमर्स नस्ब कर दिए गए हैं और ये मकसद सिर्फ इसलिए कि पौने चार साल जिस तरह पाबंदी लगाई गई, सेंसरशिप की गई मीडिया के ऊपर और सहाफियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, मीडिया वर्कर्स के ऊपर जो जुल्म हुआ, और आज इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। पहले जब ये इलेक्शन होने लगा था उस दिन भी मीडिया को इजाजत नहीं थी अंदर जाने की, आज भी जो प्रेस गैलरी है पंजाब असेंबली की उसके अंदर जैमर लगा दिया गया है। मैं मुतालबा करती हूं कि ये जैमर फौरी तौर पर हटाए जाएं। अगर प्रेस गैलरी में जैमर होंगे तो मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा, और ये जैमर लगाना ही मैं समझती हूं कि एक ऐसी मेलफ आईडी है कि आप प्रेस गैलरी में जैमर क्यों लगाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वहां जो आप हरकत करेंगे या जो आप करने की कोशिश करेंगे वो मीडिया रिपोर्ट ना करे, ये इस मकसद के लिए लगाए गए हैं। तो मैं ये मुतालबा करती हूं कि फौरी तौर के ऊपर प्रेस गैलरी के अंदर जो जैमर लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, और अगर ये ना हटाया गया तो हमारे वहां जितने मेंबरान हैं उनके पास मोबाइल फोन्स भी मौजूद है। ये जो नलायक ना अहल चोरों का टोला है जो नेशनल असेंबली से तो पाकिस्तान की आवाम ने उठाकर बाहर फेंका है, इसी तरह पंजाब असेंबली में भी इंशाल्लाह आज जो सीएम का इलेक्शन होगा उसमें भी ये टोला बाहर जाएगा। लेकिन ये साजिशें, ये हरकतें इस किस्म की छोटी जहनीयत वाली, इनको बंद होना चाहिए और जैमर्स को फौरी तौर पर वहां से उठाया जाए।